हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का विषय गणित। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है राशियों की तुलना। उसमें अभ्यास 8.3 के बी पार्ट में लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम और आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है। जुई एक वॉशिंग मशीन 13,500 रुपये में बेचने पर 20% की हानि उठाती है। उसने वह मशीन कितने रुपए में खरीदी थी? तो हमें क्या क्या दे रखा है? हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 13,500 रुपये। हमें लॉस परसेंटेज दी हुई है 20%। क्या दी है? 20%। और हमसे पूछा क्या है? सीपी हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में। तो देखो, वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य कितना है? 13,500 रुपये। ठीक है, हानि प्रतिशत है 20%। माना वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य हमने मान लिया, नहीं पता तो ₹100। अब हानि जो है वो क्रय मूल्य का क्या होती है? हानि क्रय मूल्य का हानि परसेंट होती है। तो हानि क्या है? एक्स का, क्रय मूल्य की जगह एक्स आ गया, का की जगह का आ गया, हानि की जगह 20% आ गया। तो अब का की जगह क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। अब परसेंटेज यह है तो परसेंटेज की जगह अपॉन में आ जाता है 100। ठीक है ना? देखो एक बार मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। यहाँ क्या होता है लॉस का? इन्होंने बोला सीपी का कितने परसेंट? 20%। तो सीपी की जगह एक्स आ गया, का की जगह मल्टीप्लाई आ गया, 20 की जगह 20 आ गया, परसेंटेज की जगह 100 आ गया। तो 21 से 20, 25 से 100, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स अपॉन 5। क्या हो गया? ये हमारा एक्स अपॉन 5। अब विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो देखो, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य क्या है भाई? क्रय मूल्य ₹100 है, हानि कितनी है? x/5 है। और विक्रय मूल्य तो हमें पता है 13,500 रुपये है। तो जब यहाँ पे 1 सपोज करके 5x - x/5, तो 4x/5 हो जाएगा। अब 5 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और 4 क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। जब 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16,875। क्या आएगा? 16,875। तो हम कह सकते हैं जूही एक मशीन 13,500 रुपये में बेचने पर 20% की हानि उठाती है। उसने वह मशीन 16,875 यानी कि 16,875 रुपीज में खरीदी थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है। उसके दो पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट एंड सेकंड। अब उसमें बोल रहे हैं कि चौक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात दिया हुआ है 10:3:12। क्या दिया है? 10:3:12, जिसमें 10 क्या है? वो तो कैल्शियम है। क्या है? कैल्शियम है। और कार्बन क्या है? 3 है। और ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन हमें दे रखी है 12। अब देखो, इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा बतानी है। क्या बतानी है? कार्बन का परसेंट कितना है ये हमें बताना है। तो देखो, दिया हुआ अनुपात क्या है हमारा? 10:3:12 यानी कि 10:3:12। अनुपात का कुल भाग निकालते हैं इसमें हम। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करें यही करा है। तो 10+3+12 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25। क्या आएगा? 25। अब कार्बन का भाग कितना हुआ? 3/25 हमारा कार्बन का भाग हुआ, क्योंकि तो कार्बन कितना है? 3 है। और अपॉन में लेते हैं टोटल भाग 25, तो 3/25। अब चौक पाउडर में कार्बन की प्रतिशत 3/25 × 100, 25 × 100। तो 4 × 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 12%। क्या आंसर आएगा? 12%। तो 12% इसका आंसर हमारा हो गया। अब देखो, अगर ये हमसे पूछते कि ऑक्सीजन का परसेंटेज बताओ, तो हम क्या करते? 12/25 × 100, ये आ जाता हमारा ऑक्सीजन का परसेंटेज। 25 × 1 = 25, 25 × 4 = 100, तो हमारा आंसर आता 48%। और अगर ये हमसे कैल्शियम का परसेंटेज पूछते, तो कैल्शियम कितना है? कैल्शियम है 10, अपॉन में क्या है? 25 × 100, 25 × 1 = 25, 25 × 4 = 100, 4 × 10 = 40, तो 40% आंसर हमारा इसका हो जाता। अब देखो, सेकंड क्वेश्चन है, चौक की एक छड़ी में यानी कि चौक स्टिक जो होती है उसमें यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है, कितनी है? 3 ग्राम, तब कुल भार कितना होगा? अभी कह रहे हैं कार्बन की मात्रा इन्होंने हमें बता दी। देखो, चौक की छड़ी में कार्बन की मात्रा कितनी है? 3 ग्राम। माना चौक की छड़ी का कुल भार यानी कि वो जो चौक है पूरी एक चौक स्टिक, उसका भार टोटल एक्स ग्राम है। तो एक्स का, और वैसे चौक कितनी है? 12% आई ना अभी हमने निकाला कार्बन, तो एक्स का 12% जो होगा वो क्या होगा? 3 होगा। तो एक्स का 12% क्या होगा? 3। तो एक्स की जगह एक्स आ गया, का की जगह मल्टीप्लाई,
और 12% की जगह आ गया 12/100, ठीक है, इंटू 3। तो देखो अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 12/100 इंटू एक्स इक्वल टू 3। तो हम क्या करेंगे, x तो हमारे यहीं रहेगा, 3 भी यहीं रहेगा, 100 डिवाइड में, तो 100 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 12 मल्टीप्लाई में 12 डिवाइड में आ जाएगा। 3 1 3, 3 4 12। अब 4 से 100 को काटेंगे तो क्या आएगा, 25। क्या आएगा, 25। तो अतः चौक की छड़ी का कुल भाग 25 ग्राम है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमीना एक पुस्तक 275 रुपये में खरीद कर उसे 15% हानि पर बेचती है, पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य, यानी कि हमें सीपी दिया हुआ है 275 रुपीज़, कितना 275 रुपीज़, और लॉस परसेंटेज दी हुई है 15%, कितनी 15%, और पूछा क्या है, सेलिंग प्राइस। पहले जो चीज़ दी होती है वो हम लिख लेते हैं। तो पुस्तक का क्रय मूल्य है 275 रुपये, प्रतिशत हानि 15%। अब हानि जो होगी वो क्या है, हानि किसकी होती है, क्रय मूल्य का हानि परसेंट। क्या निकालते हैं हम, लॉस का, क्या निकालते हैं, लॉस का, लॉस का हम निकालते हैं यानी कि सीपी का लॉस परसेंटेज, है ना। तो अब सीपी क्या है, 275 का 15%, तो का की जगह क्या आएगा, मल्टीप्लाई, 15 की जगह 15 परसेंटेज हटा के अपॉन में आ जाएगा 100। हम इसको सॉल्व करते हैं, 5 3 15, 5 2 10 और 0 की 0। अब इसे सॉल्व करेंगे, 5 4 20, अभी इसे सॉल्व करो, 5 5 25, और यहाँ क्या बचा, 5 5 25। अब 55 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 165, कितना आएगा 165। अब उसको 4 से डिवाइड करना है तो 4 4 कितने होते हैं, 16 होते हैं। अब यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 5 कैरी करा, अब 4 1 4, ठीक है, तो 1 बचा यहाँ, पॉइंट लगाया, 0 ली, ले ली 0। अब क्या हुआ, 4 2 8 आ गया, फिर 2 बचा, तो अब फिर पॉइंट तो लगा हुआ है 0, तो 4 5 20 फिर हमारा आ गया, तो 41.25 हमारा क्या हुआ, ये हमारी आ गई हानि। अब क्या पूछा था, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य माइनस हानि, तो क्रय मूल्य क्या है 275, माइनस की जगह माइनस आ गया, और हानि क्या है 41.25। तो 275 में से अगर हम लेस करेंगे 41.25 तो हमारा आंसर आएगा 233.75। तो हम कह सकते हैं कि अमीना एक पुस्तक 275 रुपये में खरीद कर उसे 15% हानि पर बेचती है, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य 233.75 है। अब क्या है हमारा 9th क्वेश्चन, प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्रधन दे होगा। तो ए पार्ट इसका ये रहा और बी पार्ट ये रहा। अब देखो मूलधन हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मूलधन 1200, दर 12%, और समय कितना है 3 वर्ष, मूलधन क्या है 7500, दर 5%, और समय सेम है। तो देखो ए पार्ट हम पहले सॉल्व करेंगे, दिया है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, फिर क्या है दर, दर यानी कि रेट 12%, और फिर समय यानी कि टाइम 3 वर्ष। साधारण ब्याज को हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100, क्योंकि तीनों की जरूरत पड़ती है इसमें में, तो पी की जगह आ जाएगा 1200, आर की जगह 12% और टी की जगह 3 वर्ष, 2 0 से 2 0 गई, ठीक है ना। 12 3 क्या है 20 36, 36 के हम 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया हमारा साधारण ब्याज। हमसे पूछा क्या है, लेकिन मिश्रधन पूछा है, मिश्रधन जो होता है वो मूलधन प्लस क्या होता है, साधारण ब्याज। क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, तो मूलधन की जगह 1200 आ गया, साधारण ब्याज 432 रुपये, तो 1200 में 432 प्लस करेंगे तो 1632 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब बी पार्ट देखो, मूलधन प्रिंसिपल दिया हुआ है 7500, रेट दिया हुआ है 5% और टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स। तो ऐसा ही क्या होता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही होता है पी इंटू आर इंटू टी, क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है ना। तो पी की जगह 7500, आर की जगह 5 और टी की जगह 3। तो अब 2 0 से 2 0 कैंसिल, 75 की 5 में मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर आएगा उसकी 3 में हम मल्टीप्लाई करेंगे। 75 की 5 में करिए 375 आएगा, फिर उसकी किस में करेंगे 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1125 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसलिए मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, तो मूलधन में क्या है 7500
और साधारण ब्याज क्या है 1125। तो जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8625। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा 10th। 56,000 पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से 280 रुपये साधारण ब्याज दे होगा। तो देखो मूलधन हमें दिया हुआ है 56,000, साधारण ब्याज यानी कि ऐसा ही दिया हुआ है 280, और टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स। तो साधारण ब्याज का यानी कि एस आई का फॉर्मूला होता है P × R × T/100। एस आई कितना था, एस आई की जगह एस आई रख दिया 280, पी की जगह पी आ गया, आर की जगह आर आ गया, टी की जगह टी आ गया, और 100 की जगह 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गई, तो अब क्या होगा 280। ठीक है, यहाँ पे क्या है आर और 56, 560 अपॉन में आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में, और टू बी कहाँ आ जाएगा, टू बी कहाँ आ जाएगा, टू बी हमारा कहाँ आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है ना, तो अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, तो देखो 280 जीरो से ज़ीरो गई, 28 × 28, 28 × 56, तो ये आया 1/4%। क्या आया 1/4%। अगर आप इसको शॉर्ट करना चाहो तो आप इसे और शॉर्ट कर सकते हो कि 4 को आप 1 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगा के ज़ीरो लेंगे, फिर 4 × 2 = 8 आएगा, फिर यहाँ पे 2 बचेंगे, पॉइंट लगा वही है तो 0 हम ले सकते हैं, तो 4 × 5 से कितना आ जाएगा 20। तो अब क्या आ जाएगा 0.25%, रेट क्या हुआ 0.25%। तो हम कह सकते हैं 56,000 रुपये पर 2 वर्ष पश्चात 0.25% वार्षिक दर से 280 रुपये साधारण ब्याज दे होगा। ठीक है, अगर इसमें मिश्रधन पूछते तो हम क्या करते, तो एपी क्या होता है अमाउंट, अमाउंट क्या होती है, अमाउंट होती है प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो प्रिंसिपल क्या है हमारा 56,000 और एसआई क्या है 280। तो इसमें प्लस करेंगे 56,280 रुपीज। ओके, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपये ब्याज के रूप में दिए, उसने कितना धन उधार लिया था। 9% वार्षिक दर से यानी कि रेट हमें दिया हुआ है, 1 वर्ष पश्चात यानी कि टाइम दिया हुआ है, और 45 रुपये ब्याज के रूप में दिए यानी कि ब्याज दिया हुआ है, उसने कितना धन उधार लिया। तो साधारण ब्याज है यानी कि एस आई P × R × T/100, तो एस आई की जगह आ जाएगा 45, प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल क्योंकि हमें नहीं पता कितना उधार लिया था, आर की जगह 9 और टी की जगह 1, और ये आ गया 100। तो अब देखो क्या करेंगे, तो पी तो यहीं रहेगा, और क्या चीज़ है, और हमारे पास क्या है 45 भी यहीं रहेगा, 100 किस में है डिवाइड में, तो 100 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब 9 किस में है, 9 मल्टीप्लाई में 9 आ जाएगा डिवाइड में, 9 × 9, 9 × 5 = 45। अब 5 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, क्या हो जाएगा 500 हमारा प्रिंसिपल। तो हम कह सकते हैं कि मीना ने 500 रुपये उधार लिए थे, और अब देखो आप इसको रीचेक भी कर सकते हैं, P × R, R क्या है 9 और T क्या है 1/100, तो 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ क्या आएगा 5 × 9 यानी कि 45, और हमारे यहाँ पे ब्याज 45 ही दिया हुआ है। और अगर ये हमसे कहते कि मिश्रधन कितना है, तो हम कर सकते थे मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो ये कितना हो जाता मूलधन प्लस ब्याज 545 रुपीज़, ये हमारा हो जाता मूलधन प्लस ब्याज। तो ये हो गया हमारा 11th क्वेश्चन कंप्लीट। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने क्या सीखा, हमने सीखे एस आई वाले क्वेश्चन। तो एस आई में क्या होता है, एस आई में होता है P × R × T/100। तो जिसमें यहाँ पे पी किसे बताता है, पी हमें बताता है मूलधन को यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, जो धन हमने उधार लिया। आर क्या दर्शाता है, आर हमारा दर्शाता है दर यानी कि रेट, क्या दर्शाता है रेट। और टी हमारा दर्शाता है, क्या दर्शाता है टी, टी हमारा दर्शाता है समय यानी कि टाइम। और एस आई क्या होता है, एस आई होता है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें ये दर्शाती हैं। अगर किसी क्वेश्चन में हमें तीन चीज़ें, ये देखो चार चीज़ें यहाँ पर हैं 1, 2, 3, 4, तो इन चार में से कोई भी तीन चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तब
तभी हम फोर्थ टर्म हम निकाल सकते हैं। तो थ्री क्या है हमारा, थ्री हमारा मैंडेटरी कि जो हमें पता होना ही चाहिए। अगर दो चीज़ें मिसिंग है तो हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 ये हमारा यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब जब मूलधन क्या होता है, मूलधन वो धन है जो धन हम उधार लेते हैं। अब इसमें ऐसे ही आ जाता है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन को हम कहते हैं अमाउंट। क्या कहते हैं मिश्र धन को, अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी प्लस एस आई। क्या होता है, पी प्लस एस आई, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज हमारा अमाउंट का फॉर्मूला हो जाता है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।